इसे क्लिक करने के बाद इसे हम बैक कर लेंगे। मैनुअल जिस पे क्लिक करेंगे सबसे लास्ट वाले पेज पे जाएंगे अदर्स पे। अदर्स पे आ जाने के बाद की स्टेटस को ओपन करेंगे। हमारे फोन में पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस लॉक ऐप लॉक अंदर कोई भी लॉक होगा वो पास हो जाएगा। बैक करेंगे। डाटाबेस बटन पे 3 टाइम क्लिक करना है। यहाँ पे रीसेट कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन पास हो जाएगा। होम बटन को क्लिक करेंगे। हमारा ओप्पो का है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल ओप्पो के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपका कोई भी ओप्पो कंपनी में आपका लॉक लग गया है, पासवर्ड लॉक भूल गए हो, पिन लॉक भूल गए हो या फिर पैटर्न लॉक भूल गए हो और आप अपने ओप्पो में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक करना चाहते हो वो भी बिना डाटा डिलीट किए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लोगे तो आपका कोई भी ओप्पो का फोन हो, ओप्पो का कोई भी मॉडल, चाहे 3G फोन हो ओप्पो का या 4G हो या फिर 5G हो, आप खुद घर बैठे अपने हैंडसेट को अनलॉक करना सीख जाओगे, वो भी फ्री में। आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा, ना पैसा वेस्ट होगा और ना हमें कोई कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ओप्पो का कोई भी मॉडल को अनलॉक कर सकते हो। तो आपको भी करना है ओप्पो का हैंडसेट को अनलॉक, तो चलिए फटाफट वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ऐसे मजेदार ट्रिक आपको पता चले, ठीक है। तो फ्रेंड, जब हमारा फोन लॉक है पासवर्ड में, आपके फोन पिन लॉक में है, पैटर्न लॉक में या फिर कोई भी अनदर लॉक में है, तो आपको सिंपली करना क्या है अनलॉक करने के लिए, तो हमें सबसे पहले अपने फोन को ऑफलाइन मोड में लेके जाना होगा। ऑफलाइन मोड का यानी आपका ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन रहना चाहिए जिस कारण से हमारा फोन ऑफलाइन मोड में चला जाए। यदि आपका एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल दीजिएगा। एंड देन इसके बाद फिर आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे। सिंपली आपको इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन करना होगा। जब आपका पेज इमरजेंसी कॉल का पेज ओपन हो जाए तो आपको एक मास्टर अनलॉकिंग कोड दिया गया है सर्विस सेंटर द्वारा। बस इस कोड को आप डायल कीजिएगा और ये कोड को आपको बस एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से, तो आपका फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा। बस इस कोड को आप ध्यान से अपने फ़ोन में कॉपी कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कोई कॉपी में डायरी में ये कोड को यूज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी कोड आपसे छूट जाता है तो आपका पूरा का पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस कोड को आप फटाफट कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है। तो ये कॉल वाला ऑप्शन देख रहे हो, कॉल पर हमें क्लिक करना है तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मांगा जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर ओके पे प्रेस करना है एंड देन इस कोड को हमें फिर हटा लेना है। ये कोड जब हमारा हट जाए तो यहाँ पे एक और कोड डायल करेंगे जिससे हमारा डाटा रिकवर हो सके, ठीक है। ये कोड को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है जिससे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट नहीं होगा वो, बल्कि और रिकवर हो जाएगा। तो आपको ध्यान से ये कोड को डायल करना है और ये डायल करके ये कोड से हमारा डाटा रिकवर करना है, तो इसे भी हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट के लिए यहाँ पे कॉल का ऑप्शन फिर हम यूज करेंगे। कॉल पे हमें क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे ओके का ऑप्शन मांगा जाएगा। ओके पे फिर प्रेस करेंगे एंड देन इस कोड को फिर हमें हटा लेना। जब ये दोनों कोड हमारा जब एक्टिवेट हो जाए तो हमें थोड़ा सा वेट करना है 5 सेकेंड, ठीक है। जब 5 सेकेंड आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे एक FRP अनलॉकिंग कोड दिया जाएगा, *899#। ये कोड से आप एक इंजीनियर मोड के फाइल को ओपन करोगे जिससे आपका फोन का लॉक यहीं पे अनलॉक होगा और डाटा भी यहीं पे रिकवर होगा। बस यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना है और एंड्रॉयड वर्जन के नीचे देख रहे हो 12 लिखा हुआ। यदि आपके फोन का ओप्पो का कोई भी मॉडल है और वहां पे अंक अलग हो जाए, यानी 12 से 13 हो या 11 हो या 10 हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको उतने बार ही क्लिक करना है जितने बार आपको वहां पे शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे 12 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 12 टाइम इसे क्लिक करने के बाद इसे हम बैक कर लेंगे। मैनुअल जिस पे क्लिक करेंगे सबसे लास्ट वाले पेज पे जाएंगे अदर्स पे। अदर्स पे आ जाने के बाद की स्टेटस को ओपन करेंगे। हमारे फोन में पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस लॉक ऐप लॉक अंदर कोई भी लॉक होगा वो पास हो जाएगा। बैक करेंगे। डाटाबेस बटन पे 3 टाइम क्लिक करना है। यहाँ पे रीसेट कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन पास हो जाएगा। होम बटन को क्लिक करेंगे। हमारा ओप्पो का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।